मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों को अपनी छोटी सी मांग के लिए भटकना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार में युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूम रहा है पर नौकरियां नहीं मिल पा रही है। पूरे देश में किसान आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर है अपनी मांग के लिए। वो अन्नदाता जो पूरे देश की जनता का पेट भरता है, मेहनत का अन्नदाता पूरी मेहनत करता है, अगर आज वो अपनी मांग रख रहा है तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबल की गोलियां बरसाई जा रही हैं, आज उसके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए कीले गाड़ी आ रही हैं। तो ये जो अन्याय हो रहा है किसान के साथ, उस अन्याय के विरोध में आज हम किसानों की मांगों के समर्थन में आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं।